नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी के कुछ औषधीय गुण, लाभ और फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है। तुलसी न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पूजनीय पौधा है, बल्कि इससे सेहत को बहुत सारे ढेर सारे लाभ होते हैं। इस चमत्कारी पौधे में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में तुलसी का उपयोग घरेलू नुस्खे और उपाय में इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो इसे देवीय पौधा बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इसके हेल्थ के लिहाज से क्या क्या बेनिफिशियल ये होता है और कितना फ़ायदेमंद यह साबित सिद्ध होता है। तो दोस्तों, अगर इसके फ़ायदों की बात करी जाए तो बुखार को दूर करने में इसका काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। और वो कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, 2 कप पानी में 1 चम्मच तुलसी की पत्तियों का पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर मिलाकर उबालना है और एक काढ़ा बनाना है। दिन में 2 से 3 बार इस काढ़े को पीना है। स्वाद बदलने के लिए आप इसमें दूध और चीनी भी मिला सकते हैं। दोस्तों, इससे जो फीवर होता है वो कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अल्सर और मुंह के अन्य इन्फेक्शन को ख़त्म करने में तुलसी की पत्तियों का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। प्रतिदिन तुलसियों की पत्तियों को चबाने से मुंह के संक्रमण से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आँखों की समस्याएं विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। तुलसी का रस आँखों की समस्याओं को दूर करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। आँखों की जलन दूर करने के लिए तुलसी का अर्क बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। रोजाना रात को श्यामा तुलसी के अर्क की 2 बूंदें जरूर आँखों में डालनी चाहिए। हालांकि आपको यह सलाह दी जाती है कि इस उपाय को आजमाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप पेट दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं तो 1 चम्मच पीसी हुई तुलसी की पत्तियों को पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है और पेट दर्द होने वाले इस पेस्ट को नाभि और पेट के आसपास लगाना है। दोस्तों, इससे आपके पेट दर्द से काफ़ी ज़्यादा आराम आपको मिलने लगता है। इसके अलावा तुलसी में थायमोल तत्व पाया जाता है जो स्किन की जितनी भी बीमारी होती है उससे आपको बचाता है। तुलसी और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर लगाने से झाइयाँ और फुंसियाँ दूर होती हैं। इस उपाय को अजमाने से चेहरे की रंगत में भी निखार आता है और चेहरे की चमक भी बढ़ जाती है। चेहरे को चमकदार बनाने, दाग धब्बे मिटाने, झाइयों से छुटकारा पाने के लिए तुलसी की पत्तियों को पीसकर लेप बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी के बीजों का चूर्ण दही के साथ मिलाकर लेने से खूनी बवासीर के उपचार में मदद मिलती है। इस उपाय को अजमाने से बवासीर में खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, गठिया की अगर बीमारी को दूर करने के लिए तुलसी के पत्ते, जड़, डंठल और बीज को बराबर मात्रा में मिलाकर कूट लेने और छान लेने और इसे पुराने गुड़ के साथ मिला लें। इसे बकरी के दूध के साथ सुबह शाम ट्राई करें। इससे गठिया की जो बीमारी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा कीड़े मकोड़े के काटने के निशान पर, गर्मी में लू लगने पर और खून को साफ करने के लिए भी तुलसी बहुत ही लाभकारी पौधा होता है। तुलसी की 10 से 12 पत्तियों को गर्म पानी से धोकर रोजाना सुबह खाएं। इससे लीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। बारिश और ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम से बचने के लिए तुलसी की 10 से 12 पत्तियों को 1 कप दूध में उबालकर पीजिए। सर्दी की दवा के रूप में तो यह काफ़ी फायदेमंद है, साथ ही यह न्यूट्रिटिव ड्रिंक का भी काम करती है। सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियों को चाय में उबालकर पीने से लाभ होता है। तुलसी का अर्क तेज बुखार को कम करने में उपयोगी होता है। जुकाम, हरारत, फ्लू और वायरल बुखार को दूर करने के लिए तुलसी, काली मिर्च और मिश्री मिलाकर पानी में पकाकर या फिर इन तीनों को पीसकर गोलियां बनाकर दिन में 3 से 4 बार लेने से काफ़ी फायदा होता है। तुलसी की सूखी पत्तियों को सरसों के तेल में मिलाकर दांत साफ करें। इससे सांसों से आने वाली दुर्गंध यानी कि बदबू से आपको छुटकारा मिलेगा। पायरिया जैसी बीमारी को दूर करने में यह काफ़ी अच्छा इलाज माना जाता है। इसके अलावा मुंह से आने वाली दुर्गंध को मिटाने के लिए आप रोजाना दिन में 2 बार तुलसी की पत्तियों को जरूर चबाएं।
इसके अलावा दोस्तों हार्ट के लिहाज से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तुलसी को खाने से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है, इसलिए दिल के मरीज को तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। स्किन प्रॉब्लम जैसे कि दांत खाज, खुजली और स्किन की अन्य समस्याओं के इलाज में तुलसी का अर्क प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए। इस उपाय को अजमाने से कुछ ही दिनों में सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों तुलसी के सेवन से गुर्दे मजबूत बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति के गुर्दे में पथरी यानी कि किडनी स्टोन हो गई है तो उसे तुलसी की पत्तियों को उबालकर उसका अर्क बना लेना चाहिए। फिर इसमें शहद मिलाकर रोजाना इस अर्क को पीना चाहिए। 6 महीने तक ऐसा करने पर आपको फर्क दिखाई देने लगेगा। इससे पथरी मूत्र के जरिए किडनी से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा किडनी स्टोन पर आप तुलसी के पत्तों को चबाकर खा भी सकते हैं। श्वास से संबंधित समस्याओं के इलाज में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। शहद, अदरक और तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाएं और इस काढ़े को पीने से दमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, सर्दी आदि से राहत मिलती है। नमक, लौंग और तुलसी के पत्तों से बनाए गए काढ़े को पीने से इन्फ्लुएंजा, एक तरह का बुखार होता है, उससे आपको तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों लगभग सभी आयुर्वेदिक कफ सिरप को बनाने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की पत्तियां कफ को साफ करने का काम करती है। तुलसी की कोमल पत्तियों को अदरक के साथ मिलाकर चबाने से खांसी जुकाम से आराम मिलता है। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर चाय की तरह पीने से गले की खराश दूर होती है। इस पानी से आप गरारे भी कर सकते हैं। खांसी होने पर तुलसी की पत्तियों को अदरक के साथ पीसकर शहद मिलाकर चाटने से भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों जख्मों को जल्दी ठीक करने के लिए तुलसी की पत्तियों को फिटकरी के साथ पीसकर घावों पर लगाना चाहिए। इससे घाव जल्दी भरने लगते हैं। इसके अलावा सिर दर्द होने पर तुलसी का काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। तुलसी की पत्तियों के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना सुबह शाम 15 दिनों तक लेने पर माइग्रेन जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों देखा आपने, एक तुलसी कितने सारे रोगों के इलाज में तत्पर होती है, कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको दिला सकती है और कितनी बेनिफिशियल ये सिद्ध होती है। तो दोस्तों ऐसे ही तुलसी के पौधों को गुणकारी नहीं बताया जाता, ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी सिद्ध होती है। तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए तुलसी के बारे में कुछ खास जानकारी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।